बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। आपके पास बहुत बड़ी तलवार है, अब कोई बोलेगा कि चलो ये कपड़े सी दो, तलवार से तो कपड़ा फट जाएगा, सिलाई नहीं होगी। तो जाओ सुई का काम है सुई करेगी। अब इतनी बड़ी तलवार के देख को सुई को ऐसे इग्नोर निगलेक्ट नहीं करना है कि चलो सुई का तो कुछ काम ही नहीं है, इतनी छोटी सी है। तो कोई भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, छोटे से छोटा आदमी का भी कुछ रोल है। वो हर चीज का एक रोल है। कल हमने कथा सुनी थी, शायद आप लोगों ने सुनी हो, झाड़ू की और फूल की, सुनिए। नहीं, सबने नहीं सुनी, आप दो लोग ही थे केवल। तो ऐसे ही इस टाइम की कथा है, वो हो गई, एक टाइम पे हो गई है कथा विष्णु की, पादुका की, मुकुट की। आज के टाइम पे देखे तो एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में क्या होता है पता है? अब बच्चा कोई मंदिर में गया होगा उसको पता होगा, मंदिर में मूर्ति होती है भगवान की, भगवान की मूर्ति होती है, उसी जगह को मंदिर बोलते है। अब मूर्ति ही नहीं तो मंदिर नहीं, वो पहली बात है मूर्ति की। फिर क्या होता है? घंटी होती है। हाँ, घंटी होती है। अब शिव का मंदिर है तो नंदी है, कच्छप है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती माता हैं, ये सब कुछ है। तो एक बहुत बड़ा राम भगवान का मंदिर था, अब वो भी बोलना है। तो राम भगवान के मंदिर में कौन कौन होता है? राम भगवान का अकेले का कभी मंदिर नहीं है। हाँ, राम भगवान का मंदिर है तो उसके साथ सीता माता होगी, लक्ष्मण भैया होंगे, और साथ में सदा सेवक हनुमान जी होंगे। हाँ, हनुमान जी का सेपरेट मंदिर है, राम को सेपरेट मंदिर हमने नहीं दिया है। राम को आना है तो पूरे परिवार के साथ आना है, हनुमान जी अकेले रह सकते हैं, राम पूरे परिवार के साथ पूरे दरबार के साथ आएंगे अपने। तो राम जी का बहुत बड़ा मंदिर था। अब रामनवमी आ रही थी, दूसरे दिन रामनवमी थी, तो पूरी मंदिर की सजावट बहुत अच्छे से राम भक्तों ने की थी। पूरे मंदिर में बंधनवाद लगाए थे, तोरण लगाए थे, फूलों का डेकोरेशन किया था, इतना फूलों का डेकोरेशन किया था। तो फूल ऐसे हंस रहे थे, उसी उस तरह से फूल बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे कि उसको सजा के रखा गया था ऐसे। तो उसकी फूलों की नजर पड़ी एक झाड़ू के ऊपर, उसने हंस दिया झाड़ू के ऊपर, ये झाड़ू पर देखो कितनी गंदी भरी है, देखने में देखो जरा भी बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लगती। हम भी अट्रैक्शन ही देखते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है देखो, एकदम कैसी लग रही है देखो, न कोई रंग का ठिकाना है, न रूप का ठिकाना है, न आकार का ठिकाना है, न कुछ सुगंध है, कुछ नहीं है उसमें। ये झाड़ू तो एकदम बेकार की चीज है। और इधर उधर जो फूलों का डेकोरेशन धरती के ऊपर भी किया गया था, तो उसने कहा भगवान के आसपास का जितना जो परिसर था उसमें फूलों से रंगोली निकाली गई थी, तो सब फूल मिलके उसकी मजाक उड़ा रहे हैं झाड़ू की, कि तेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, देखो कोने में पड़ी रहती हूँ, भगवान के मंदिर में तो रखते ही नहीं है तुझको, तो कोने में पड़ी रहती हूँ, कोई तुम्हारा पूछता भी नहीं है, तो हमारा देखो सब आएंगे हमको देखेंगे, हमारे में कितनी खुशबू है, तुम्हें तो ना कोई खुशबू है, ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है। तो झाड़ू को बहुत ही सबने मिलके ऐसे किया कि तुम्हारा तो कोई उपयोग ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम में तो सुंदरता ही नहीं है, कुछ नहीं है, देखो कितना धूल चिपकी है तुम्हारे अंदर। तो झाड़ू तो कोने में बैठ के रोने लगी। तब पुजारी जी आए, पुजारी जी बहुत अच्छे थे, उसने सुबह सुबह का टाइम था, पुजारी जी आए, पूजा का थाल सजा रहे थे, तभी उसकी ध्यान झाड़ू के ऊपर गया, झाड़ू ऐसे रो रहा है। और एक से चार साल का बच्चा बोलेगा नहीं कि झाड़ू नहीं रोता है, नहीं बोलेगा। यदि हमने उसमें कुछ नहीं डाला होगा ना कचरा हमारा, तो नहीं बोलेगा। हम समझ लो कि जो पांच साल के अंदर का बच्चा बोलेगा ना कि झाड़ू नहीं रोता है, तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ कचरा डाल दिया है उसमें। उसने जो सात्मीय पूरी प्रकृति के साथ आत्मा रूप देखा था, देखना चाहिए था, वो निर्दोषता होनी चाहिए थी, वो आपने मार दिया, अकाल ही उसको प्रौढ़ बना दिया है। तो वो बोलेगा कि यदि झाड़ू को भी कोई बुरा भला कहे ना तो झाड़ू भी रोता है। तो झाड़ू तो ऐसे रोने लगा, पुजारी जी ने झाड़ू आके उठाया, उसको झाड़ू गीला लगा। हाँ, क्योंकि रोते हैं तो हम गाल गीले हो जाते हैं ना, तो वैसे झाड़ू भी गीला हो गया। तो उसने पूछा क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कुछ नहीं, हाँ हम भी आस पड़ोस के बच्चों से झगड़ा करके आते हैं, अपने फ्रेंड से, मुंह ऐसे फूल गया, आंखें लाल हो गई है, रोए हैं। मम्मी पहचान लेती, मम्मी पूछती है क्या हुआ था, तो मम्मी यदि डांट के पूछती है ना, हम बोलते कुछ नहीं था, प्यार से पूछेगी तो हम जवाब देंगे
हाँ बोलेंगे ना तो मम्मी, हर मम्मी प्रेम से ही पूछती है, किसी की पूछती है ऐसा बोलना नहीं है, डांट के पूछती है, प्रेम से पूछती है। तो हर किसी का पर्सनल मामला है, उसमें हमें चंचुपात नहीं करना है, चांच नहीं लगानी है हमारी। वो माँ बच्चों का मामला है, उसने प्यार से पूछा पुजारी जी ने माँ की तरह, क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा, तुम रो क्यों रहे? उसने कहा कि ये सब फूल है ना, वो मिलके मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि तुम में रंग नहीं है, रूप नहीं है, सुंदरता नहीं है, सुगंध नहीं है। सचमुच पुजारी जी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भगवान की कुछ सेवा नहीं कर सकता। ये फूल देखो कितने सुंदर हैं, लोग उनको देखेंगे, सब भगवान के मंदिर की प्रशंसा करेंगे, भगवान की इतनी अच्छी सजावट है, कल भगवान का जन्मदिन है, मैं तो कुछ काम में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसे सजा के रखा तो सब आपको पागल बोलेंगे कि झाड़ू से सजावट की है। हाँ तो मैं तो कुछ सजावट में काम नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब लोग बोल रहे थे मैं भगवान के लिए कुछ नहीं करता हूँ, और वो तो कितना देखो, भगवान के गले की माला फूल होगी, भगवान के चरण में फूल, भगवान के मस्तक में फूलों का मुगट, भगवान के मन